व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि आपका भाई आप लोगों को वेस्ट बंगाल कलकत्ता के सबसे फेमस चाट कॉर्नर हलवा चाट कॉर्नर लेके जाने वाला हूँ, जहाँ पे कचौड़ी चाट, समोसे चाट, टिक्की चाट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड भी इस चीज़ के लिए मिला हुआ है और 80 साल से भी ज़्यादा पुराना दुकान है। तो आओ यार, आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो गाइस बेसिकली ये है आपका स्ट्रीट का नाम है आरडीएस स्ट्रीट, कोलकाता 06 एड्रेस है राम दुलाल सरकार स्ट्रीट 7 4 times 06। ये एड्रेस यहाँ पे हेदुआ पार्क आप मारोगे, हेदुआ पार्क के जस्ट अपोजिट में ये इनका हेदुआ चाट कॉर्नर है। अगर आप गूगल पे हेदुआ चाट कॉर्नर भी मारोगे तो आपको दिखेगा। ये कॉर्नर पे है भीड़ वाइज, यहाँ पे अभी कोरोना का टाइम है तो भीड़ थोड़ा कम है, बट ऐसी भीड़ यहाँ पे रहती है। एक मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि भाई अगर तुम यूपी और बिहार का अगर छोला समोसा मिस कर रहे हो तो जब बार बार, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं ये खा रहा हूँ। और आप जहाँ पे रहते हो, जहाँ पे चीज़ें फेमस रहती है खाने वाली, उसको जब आपको खाने को मिलता है काफ़ी दिनों के बाद तो कुछ अच्छा सा एक्सपीरियंस रहता है। सो रियली इट वॉज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चलो एक अच्छा हुआ, आया था इसी बहाने ये भी हो गया, बिकॉज आई वॉज प्लानिंग कि मैं कब आऊँगा फिर इसको खाने के लिए। जब यहाँ के दुकान का जो मालिक है, मैंने उसको बोला कि भाई सिर्फ आपके यहाँ पे सिर्फ ये खाने के लिए आया हूँ, तो बोलता है भैया पहले बताना चाहिए था, हम और अच्छे से बना दें। ही इज फ्रॉम बिहार, उनके पापा के पापा, उसके पापा मतलब समझ लीजिए दादा के जो पिताजी थे तब से उनका ये बिज़नेस है, काफ़ी पुराना बिज़नेस है। यहाँ पे छोटी सी दुकान है इनकी, बट दुकान काफ़ी अच्छी चलती है, लोग पसंद करते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे एक दो लोगों से बात की भाई, तो वो लोग भी बोले अच्छा ही। तो आपको कभी अगर इच्छा हो खाने की, मैं लोकेशन आपको दे दूँगा, नहीं तो आप गूगल मैप में मारना हेदुआ चाट कॉर्नर या हेदुआ पार्क मारने से ही आपको कोई भी आपका यहाँ पे चलता रहा चलता आदमी बता देगा कि भाई ये चीज़ है। और ये है दादा, इन्हीं की दुकान है। तो दादा दुकान की शुरुआत कब हुई थी आपकी? ये दुकान की शुरुआत हमारी 1941 में हुई थी। ओके, अरे यार तब तो मतलब आज़ादी के पहले भी आप शुरू किए थे, 4 साल पहले ही। तो उस समय रामधनी सिंह जो थे हमारे दादाजी के पापा, अच्छा, उनके हाथों से ये दुकान शुरुआत हुआ था। ओके, तो उनके बाद गोविंद सिंह हुए, उसके बाद मेरे पापा नरेश सिंह, अच्छा, ओनर है इस दुकान के, अभी भी है, दुकान अच्छा, को चलाते हैं। अच्छा अच्छा, और अभी हम लोग इस दुकान को देखभाल कर रहे हैं, थोड़ा सर्च कर रहे हैं, अभी तो काम सीख रहे हैं हम लोग। तो मेरा नाम दिनेश कुमार सिंह है। अच्छा, तो और क्या बनाते हैं यहाँ पे बता दीजिए। तो यहाँ पे अगर कोई आए आपके यहाँ पे खाने के लिए, क्या सेवा करेंगे उनके? यहाँ पे चाट का आइटम बनता है। अच्छा, समोसा चाट, कचौड़ी चाट, टिकिया चाट, दही बड़ा, पापड़ी चाट, दही पुचका, कई कुछ का में हम लोगों ने अवार्ड भी लिया है। पूजा ब्लॉकबस्टर 2015 में सेकंड हुए थे पूरा ऑल ओवर कोलकाता पे। तो रेड एफएम 93.5 ने इनको अवार्ड भी दिया हुआ है। वाह, और उत्तर का फाइबर पास जो आपका है उसमें हम लोग पार्टिसिपेट भी किए हैं, बहुत सारा टेलीग्राफ में यहाँ पे आए हुए हैं, बाहर भी है, आप देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई आता है, हम लोगों को बोलता है कि आपका बेस्ट चाट क्या है, तो हम लोग मिक्स चाट बोलते हैं, जैसे कचौड़ी टिकिया। आई हैव ट्राइड, मैंने खाया, अच्छा था, मिक्स चाट बहुत अच्छा था। सारा टिकिया ये हमारा पुराना चाट है, तो ये हम लोग देते हैं। अभी नए में हम लोगों का हलवा चाट कॉम्बो हम लोग निकालने जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मंथ हम लोग हलवा चाट कॉम्बो निकालेंगे। अच्छा, और दही वड़ा फुचका भी निकालने का हमारा कोशिश चल रहा है, देखे हम क्या। और फुचका, फुचका तो है हमारा, दही फुचका बिकता ही है, दही फुचका है, पानी पानी के साथ नहीं है, सिर्फ दही फुचका है, सिर्फ दही फुचका हम लोग सिर्फ दही फुचका देते हैं, रीजनेबल है, चार पीस का 30 रुपया लगता है। यहाँ पे चाट है, जो भी चाट आपको चाहिए उसका क्या प्राइस है? आई थिंक सारा ही कुछ रीजनेबल प्राइस है, और क्वालिटी के मामले में
और अगर हाइजेनिक मामले में देखें तो इस टाइम में भी सारा मास्क वास्क लगा के काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। मैं दो चाट खाया, एक सिंगाड़ा चाट था और एक टिक्के चाट था, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। तो मेरे को जब मैंने इनको बोला कि मैं उतने दूर से सिर्फ ये खाने के लिए आया, तो उन्होंने बोला कि पहले आप बताए होते तो हम कुछ और ज़्यादा अच्छा स्पेशल करते। थैंक यू सो मच फॉर दिस, और इनको भी धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के 2 मिनट के लिए मेरे को अपना समय दिया और इस दुकान के बारे में बताया। आप लोग भी अगर इस दुकान पे आना चाहते हैं ना, तो सीधा सा रास्ता है हेदुआ पार्क के जस्ट अपोजिट में दुकान है। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा एक साइड में मेरा दोस्त आया हुआ है, फिर वहाँ से हम लोग उसके घर पर जाएंगे। मीट अपनू माई फ्रेंड पेलू पंडा, काफ़ी दिनों के बाद इससे मुलाकात हुई। इस हरामी इंसान को आप लोग जानते होंगे, मेरे साथ कई सारे ब्लॉग में काम कर चुके हैं, तो ये भी ऑफिस से आ रहा है। अभी आपका भी भाई ऑफिस से आ रहा है, और ये आया था श्रीलेदर्स। क्या करने आया था श्रीलेदर्स में? जूता लेना था। अरे जूता चप्पल मिलने के लिए तुमको इतना दूर से दुकान आना पड़ा? अगल बगल में दुकान नहीं मिला तुमको? क्वालिटी है श्रीलेदर्स का, यहाँ पे प्रमोशन मत कर, ठीक है? अभी कहाँ पे जाने का प्लान क्या है, किसका घर जाना है?